तो हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहेंगे। तो यार, मैंने आपको काफ़ी टाइम पहले बोला था कि मैं FFCS के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया है। तो यार दोस्तों, इसके लिए सॉरी, पर यहाँ पे फाइनली दोस्तों हमने FFCS की जो वीडियो है वो बना ली है। तो यार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको FFCS की बहुत सारी डिटेल्स मैं देने वाला हूँ जो कि आप सभी को पता नहीं होंगी। साथ ही दोस्तों, कन्फर्म डेट और कन्फर्म टाइम और साथ ही जो प्राइज पूल है वो भी मैं आज की वीडियो में आपको बताऊँगा। तो यार दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग और यहाँ पे नॉलेज से भरी होने वाली है। तो यार आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, जिससे कि आपको सारी डिटेल्स FFCS के बारे में पता चल जाए। और साथ ही दोस्तों यार, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को जाकर नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों यार, ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी हमारे गेम के अंदर करंट टाइम पे यहाँ पे दिवाली इवेंट जो है वो चल रहा है, और हमारा जो दिवाली इवेंट है दोस्तों 15 नवंबर को ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों आपको FFCS यानी कि फ्री फायर कॉन्टिनेंटल सीरीज का जो इवेंट है वो देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, FFCS का जो इवेंट है हमारा नवंबर मंथ का दूसरा सबसे बड़ा इवेंट जो है वो रहने वाला है। और FFCS इवेंट के बाद दोस्तों आपको दिसंबर यानी कि अगले मंथ में OB25 अपडेट यानी कि हम इसे विंटर अपडेट भी बोल सकते हैं, तो वो आपको देखने को मिलने वाला है। तो विंटर अपडेट की दोस्तों मैं वीडियो काफ़ी जल्द बनाने वाला हूँ, तो आप उसको जरूर से ज़रूर देखना। तो यार अभी हम दोस्तों सीधे बात करते हैं हमारे FFCS के बारे में। तो दोस्तों, अभी आप स्क्रीन के ऊपर हमारे FFCS की मेल वाली जो कॉस्ट्यूम है वो देख सकते हैं। तो यार कॉस्ट्यूम काफ़ी अच्छी है, और इसी के साथ दोस्तों इसका एक फीमेल वर्जन भी निकल के आया हुआ है। तो फीमेल वर्जन भी दोस्तों आप यहाँ पे एक देख सकते हैं, फीमेल वर्जन कुछ इस टाइप का रहने वाला है। तो यार दोस्तों, हो सकता है कि फीमेल वर्जन आपको जो है फ्री में मिल जाए, और मेल वर्जन के लिए दोस्तों आपको डायमंड खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि जो हमारी मेल की कॉस्ट्यूम है हमारी मेन कॉस्ट्यूम रहती है, तो इसके लिए दोस्तों आपको डायमंड खर्च करने पड़ेंगे। और हो सकता है कि आपको फीमेल की कॉस्ट्यूम जो है वो फ्री में देखने को मिल जाए। तो यार अभी दोस्तों दूसरा चेंज है हमारे अंदर यहाँ पे लॉबी के, तो यहाँ पे M4A1 और ग्रोजा की जो स्किन है वो ऐड कर दी गई है, तो आपने देख लिया होगा। तो M4A1 दोस्तों आपको नेक्स्ट वेपन रॉयल के अंदर देखने को मिलेगी, और जो ग्रोजा की स्किन है दोस्तों हो सकता है कि आपको टॉपअप में देखने को मिल जाए या फिर आपको सीधे स्टोर में देखने को भी मिल सकती है। तो दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट वेपन रॉयल रहने वाला है। तो स्किन आप दोस्तों देख सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त स्किन लुक में लग रही है। तो ये स्किन दोस्तों स्टार साउल की टाइप की रहने वाली है। तो अभी हमारे गेम के अंदर ड्रैगनो का जो है वेपन रॉयल चल रहा है, तो ड्रैगनो जैसी ख़त्म हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको ये जो M4A1 है यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो इसके अंदर दोस्तों जो एट्रीब्यूट्स हैं वो मैंने आपको पहले बता दिए हैं, तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कि मैंने क्या बोला था। तो आप हमारी पिछली वीडियो जो है जाके देख लीजिएगा, आपको वहाँ पर पता चल जाएगा। तो यार दोस्तों, यार M4A1 काफ़ी ज़बरदस्त है, देखते हैं कि निकालने का ट्राई करेंगे, निकलती है फिर नहीं निकलती है वो तो बाद में ही पता चलेगा। साथ ही दोस्तों यार ग्रोजा की स्किन भी आप देख सकते हैं, तो ग्रोजा के अंदर दोस्तों डबल डैमेज रहने वाला है, साथ ही मैगजीन यहाँ पे जो है वो माइनस रखी गई है। तो ग्रोजा दोस्तों आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर की यहाँ पे ग्रोजा ले निकल के आई हुई है। तो ये ग्रोजा की स्किन दोस्तों हो सकता है कि या तो आपको स्टोर के अंदर देखने को मिल जाए या फिर आपको टॉपअप के अंदर जो है वहाँ भी देखने को मिल सकती है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे हमारी सर्फ वर्ल्ड की दो स्किन निकल के आई हुई हैं। तो पहली स्किन दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी सिंपल स्किन है, इसके अंदर कोई एनिमेशन नहीं दिया गया है। और इसी के साथ एक और स्किन यहाँ पे निकल के आई हुई है जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त स्किन है। तो दोस्तों यहाँ पे दो स्किन टोटल निकल के आई हुई हैं। तो दूसरी स्किन दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस टाइप की रहने वाली है, तो काफ़ी ज़बरदस्त स्किन दोस्तों लग रही है। इसके अंदर यहाँ पे एनिमेशन भी काफ़ी ज़बरदस्त दिया गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि जो हमारी पहली वाली स्किन है वो आपको फ्री में मिल जाएगी, यानी कि आपको कुछ मिशन कंप्लीट करने पड़ेंगे और उसके बदले फ्री में मिल जाएगी। लेकिन जो दूसरी स्किन है उसके लिए आपको टॉपअप या फिर डायमंड खर्चे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अभी हमारी बैग की भी दो स्किन निकल के आई हुई। तो पहली स्किन दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी सिंपल स्किन है, इसमें कोई ज़्यादा एनिमेशन नहीं दिया गया है। लेकिन यहाँ पे एक और स्किन और निकल के आई है जो कि हमारी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग यानी कि काफ़ी ज़बरदस्त स्किन है। दूसरी जो बैग की स्किन है दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है, यानी कि सिंपल बैग की जो स्किन है वो निकल के आई हुई है। तो दियाली बैग की स्किन भी दोस्तों हो सकता है कि आपको 100 डायमंड के जो है टॉपअप में देखने को मिल जाए, लेकिन जो हमारी सिंपल वाली स्किन है वो आपको मिशन कंप्लीट करने के बदले में यहाँ पे दी जा सकती है। तो दोस्तों अभी मैं आपको FFCS इवेंट के दौरान जो ग्रेनेड की स्किन निकल के आई है वो भी दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे ग्रेनेड देख सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त ग्रेनेड की स्किन है, और इसके अंदर दोस्तों जो एनिमेशन दिया गया है वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अभी यार यहाँ पे इसके एक लूट बॉक्स भी निकल के आया हुआ है, तो लूट बॉक्स दोस्तों आप देख सकते हैं, इस टाइप का लूट बॉक्स आपको FFCS इवेंट के दौरान देखने को मिलेगा। और इसी के साथ दोस्तों आपको ये वाली जो लैम्बोर्गिनी की स्किन है ब्लू कलर की, ये भी आपको दोस्तों FFCS में यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये वाली स्किन दोस्तों हो सकता है कि आपको 1000 डायमंड के टॉपअप में या फिर 500 डायमंड के टॉपअप
में देखने को मिल जाए, क्योंकि दोस्तों ये जो स्किन है काफ़ी लेजेंडरी और काफ़ी ओपी स्किन निकल के आई हुई है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे आप पैरासूट देख सकते हैं, ये वाला जो पैरासूट है आपको फ्री में मिल जाएगा FFCS इवेंट के दौरान। तो ये वाला जो पैरासूट है आपको यहाँ पे एक ही पैरासूट निकल के आया हो तो ये आपको आसानी से मिल जाएगा। तो अभी दोस्तों आप ये आइटम को देख सकते हैं, ये आपको लॉबी के अंदर लगाने को मिलेगा। तो कुछ इस टाइप से दोस्तों आप इसे लॉबी के अंदर लगाओगे, और जब आप इसे लॉबी के अंदर लगाओगे तो इसके अंदर आपको डायमंड देखने को मिलेंगे। तो इसके बारे में दोस्तों आपको पता ही होगा कि कितने डायमंड इसके अंदर मिलते हैं, कभी कभी 100 डायमंड भी मिल जाते हैं। तो ये तो दोस्तों आपकी किस्मत के ऊपर रहेगा कि आपको कितने डायमंड मिलते हैं। तो अभी दोस्तों यार यहाँ पर आप देख सकते हैं टोकन, तो आपने दोस्तों ये वाले जो टोकन है इनको जमा करना होगा, और जैसे आप इन टोकन्स को जमा करोगे तो आप वहाँ से जो रिवार्ड है यानी कि जो पैरासूट की स्किन है, बैग की जो स्किन है, उनको वहाँ से एक्सचेंज कर पाओगे। तो कुछ इस टाइप के दोस्तों ये टोकन है आपको देखने को वहाँ पे मिलेंगे जैसे ही हमारे गेम में FFCS इवेंट आ जाता है। और साथ ही दोस्तों यार यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा बैनर और अवतार, तो ये वाला जो अवतार है और साथ ही ये वाला जो बैनर है आपको FFCS इवेंट के दौरान देखने को मिलेगा। तो अभी दोस्तों हम बात करते हैं FFCS इवेंट की कन्फर्म डेट और प्राइस पूल के बारे में। तो दोस्तों हमारी फ्री फायर कॉन्टिनेंटल सीरीज यहाँ पर 21 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी। तो 21 नवंबर से यहाँ पर FFCS का जो इवेंट है, साथ ही जो सीरीज है, वो स्टार्ट होने वाली है और ये हमारी चलेगी 28 नवंबर तक। तो दोस्तों एक हफ्ते की सीरीज रहने वाली है और इवेंट भी हमारा एक हफ्ते का रहेगा। तो हो सकता है कि इवेंट हमारा एक दो दिन पहले स्टार्ट हो जाए, यानी कि 19 या फिर 20 नवंबर को स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर जो सीरीज है लेकिन 21 नवंबर से स्टार्ट होगी और 28 नवंबर तक चलेगी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों प्राइस पूल की बात करें तो यहाँ पर प्रत्येक रीजन के लिए यानी कि ईच रीजन के लिए $300 जो है वो प्राइस पूल रखा गया है। तो $300 को आप रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं कितना होता है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्राइस पूल रखा गया है। तो यार यहाँ पे काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो अपने इंडिया से भी टीम यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगी, तो यार हम देखेंगे और काफ़ी यहाँ पे इंजॉय करेंगे। तो अभी दोस्तों यार वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ दोस्तों